तो ये हमारा बच्चों के टिफ़िन के लिए आलू फ्राई की रेसिपी बनके तैयार है। कितनी बढ़िया ये बनी है। तो इस रेसिपी के लिए फ्रेंड्स हमने दो आलू लिए हैं। ये वेट में लगभग 250 के आसपास होंगे, 250-300 के आसपास, 250-300 ग्राम के आसपास। तो दोनों आलू को हमने छील के इस प्रकार से काट लिया है और दो भागों में काटने के बाद हम आलू को इस प्रकार से लंबे लंबे भागों में, तीन भागों में काटेंगे और इसे कुछ इस प्रकार का शेप देंगे। ये लगभग 1/2 इंच के स्क्वायर में हम काटेंगे लगभग, क्योंकि ये आसानी से पक भी जाता है और बच्चों को ज़्यादा पसंद भी आता है ये छोटे छोटे टुकड़े। तो इसी प्रकार से हमने आलू के दूसरे भाग को भी इस प्रकार से काटा है। तो ये देखिए कितना बढ़िया ये हमारा आलू का ये जो टुकड़ा है बनके तैयार है। तो ये हमारा थोड़ी सी बड़ी आलू है, तो हम इसे चार भागों में काटेंगे, लंबे लंबे जो हमने तीन टुकड़े किए थे, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी आलू है। तो इस प्रकार से हमने चार भागों में इसे काटा है और बहुत ही आसान रेसिपी है फ्रेंड्स, और 10 से 15 मिनट में ये रेसिपी बनके तैयार हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमने सारे आलूओं को काट के इस प्रकार से शेप दे दिया है। ये देखिए कितना बढ़िया एक साइज़ का ये कटा है, सब देखने में भी कितना बढ़िया लग रहा है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। उसके लिए फ्रेंड्स हमने 2 चम्मच तेल डाला है फ्राई पैन में और गर्म करके इस आलू को डाल के हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो आलू हम अच्छे से मिलाने के बाद हम इसे कवर करके पकाएंगे। आप इसे आलू को कवर करके 3 से 4 बार कवर करके बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे तो ये अच्छे से पक जाएगा। तो ये देखिए हमने कवर कर लिया है और उसके बाद हम फिर से इसका ढक्कन हटा के इसे चलाएंगे। तो ये देखिए हमारा कुछ कलर चेंज हो रहा है आलू का। तो इसी स्टेज पर हम फ्रेंड जीरा ऐड करेंगे इसमें, जीरा जो कि 1/2 चम्मच के आसपास हमने इस्तेमाल किया है। आपके बच्चों को पसंद ना हो तो थोड़ी कम मात्रा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या तो नहीं भी डाल सकते इसे, वैसे डाइजेशन के लिए ये बहुत ही बढ़िया होता है। तो आप जीरा इसमें थोड़ी सी मात्रा डाल सकते हैं। तो जीरा हमने यहाँ पर क्यों डाला, आपको पता ही है कि पहले हम सूखी सब्जी बना रहे हैं तो पहले डालेंगे तो ये जीरा ज़्यादा हमारा जल जाएगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पे थोड़ी सी आलू पकने के बाद डाला है। तो फिर से हमने इसे कवर करके पकाया है, तो अब ढक्कन हटा के हम इसे चला लेंगे। तो ये देखिए हमारा आलू का कलर भी चेंज हो गया है। तो इसे हम देख भी लेंगे बीच बीच में कि आलू हमारे कितनी पकी है। तो ये देखिए ये हमारा लगभग आलू 50% पका है। तब हम यहाँ पे नमक ऐड कर लेंगे, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच से कम, लाल मिर्च पाउडर और ये हल्दी पाउडर। तो आप चाहे तो अपने बच्चों के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल इसमें करें, हमने भी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल किया है क्योंकि ये तीखी ज़्यादा नहीं होती है। वैसे आप चाहे तो ये नहीं भी डाल सकते हैं। हल्दी धनिया बिल्कुल 1/2 चम्मच से भी कम हमने डाला है इस इतने सारे आलू में, क्योंकि ये बच्चों के लिए आलू फ्राई की रेसिपी बन रही है तो हम ज़्यादा स्पाइसी हम इसे नहीं बनाएंगे। ये देखिए आलू का कलर भी चेंज हो रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि 50-60% हमारा पहले ही पक गया है। तो अब मसाले डाल के हम लगभग इसे पूरा पका लेंगे। तो इसे हम फिर से एक बार मसाले डालने के बाद हम इसे कवर करके पकाएंगे ताकि ये जो हमारे मसाले अच्छे से सेपरेट हो सके इसमें, क्योंकि कवर करने के बाद थोड़ी सी इसमें वाष्प आ जाती है तो मसाले भी अच्छे से कोट हो जाते हैं आलू में। तो इसी प्रकार से ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ये आलू लगभग पक गया है फाइनली। ये देखिए कितना बढ़िया इसका कलर भी आ गया है। तो अब हम इसे प्लेटिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। पकने के बाद हम इसे 5 से 10 मिनट कवर करके इसे छोड़ देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया ये हमारा आलू फ्राई की रेसिपी बनके तैयार हुआ है फ्रेंड्स। तो कैसी लगी ये रेसिपी फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद।
अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।